स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 16। द चैप्टर नेम इज ऑल अबाउट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ना है चैप्टर 16 और चैप्टर का क्या नाम है? ऑल अबाउट प्लांट्स। प्लांट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था प्लांट के बारे में, है ना, कि प्लांट क्या है। जो हम प्लांट देखते हैं वो एक जैसा नहीं होता, सेम साइज नहीं होता है। उसका साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स है जो बड़े होते हैं, है ना, बिग होते हैं, तो उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं, है ना। जैसे मैंगो ट्री हुआ, बनाना हुआ, फिर क्या कहते हैं हम लोग, ये बनियान ट्री है, नीम ट्री है, ये क्या है, बहुत ही बिग और स्ट्रांग होते हैं, है ना। क्योंकि आप पढ़े थे कि जो प्लांट है उसको हम लोग डिफरेंट भाग में बांटे थे, जो सबसे जो बिग है और स्ट्रांग है उसको हम लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्री कहते हैं। सेकेंड क्या था? सर्व, है ना। तो सर्व किसे कहते हैं? जो मीडियम साइज का प्लांट होता है उसको हम लोग सर्व कहते हैं। जैसे रोज हुआ, कॉटन हुआ, जस्मिन हुआ, वो क्या है? सर। थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे? थर्ड हम लोग पढ़े थे हर्ब। ओके, तो हर्ब क्या है? हैव ग्रीन स्टीम, है ना, और हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। उसका जो समय अवधि भी क्या होता है उस प्लांट का, वो बहुत कम होता है और वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। एग्जाम्पल में मैंने आप लोग को बताया था मिंट हुआ, स्पिंच हुआ, फिर कैरोट हुआ, ये क्या है? ये हर्ब है। तो आप पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि टाइप्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट के बाद अब आपको पढ़ना है कि प्लांट हम लोग को क्या क्या देता है। तो प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट, हम लोग को कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को प्लांट से मिलता है, है ना। प्लांट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे एनवायरनमेंट को तो फेस सकता ही है, वो हवा को फेस तो रखता ही है, पॉल्यूशन तो कम करता ही, साथ साथ वो हमें बहुत सारी चीजों को भी देता है। तो आज आपको इस लेसन में ये पढ़ना है। तो सो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन पेज नंबर 73 एंड 74। स्टूडेंट्स, आप अपने बुक के पेज नंबर 73 और 74 को ओपन कर लीजिए, मैं इसको, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, तो आप देखिए, प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट, हम लोग को प्लांट से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो प्लांट गिव अस मेनी थिंग्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन वुड, मेडिसिन, गम, रबर, इटीसी। हम लोग प्लांट से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? फ्रूट। आप जो डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स, एप्पल हुआ, मैंगो हुआ, पियर्स हुआ, है ना, पाइन एप्पल हुआ, ये सारा क्या है? फ्रूट है। वो सारे फ्रूट हमको कहाँ से मिलते हैं? वो सारे फ्रूट हमको प्लांट से मिलते हैं। सेकेंड, जो भी आप वेजिटेबल खाते हो, है ना, जो भी वेजिटेबल खाते हो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिलता है। उसके बाद थर्ड क्या है? ग्रेन, अनाज जो भी है, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो हम वाइल्ड सीड, हम लोग वाइल का यूज करते हैं, है ना, वाइल, तो जो वाइल्ड सीड है वो भी हमें प्लांट से। तो वाइल्ड सीड कौन कौन सा है? जैसे आप मस्टर्ड वाइल का यूज करते हैं, कोकोनट का यूज करते हैं, है ना, ग्राउंडनट वाइल का यूज करते हैं। तो ये हमें वाइल्ड सीड भी कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से। इसके अलावा खाने के साथ साथ प्लांट हम लोग को और क्या देता है? वुड। वुड मीन्स लकड़ी। आपके घर में जो भी फर्नीचर है ना, वो फर्नीचर क्या चीज से बनता है? वो फर्नीचर हमें वुड से ही प्राप्त होता है ना। जब वुड नहीं रहेगा तो आप फर्नीचर कैसे बनाओगे? तो प्लांट हमें वुड भी देता है ना। वुड से हम लोग क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप के फर्नीचर को बनाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन जो दवा है ना, देखते होंगे तुलसी हुआ,
तुलसी है ना, तुलसी का भी यूज क्या होता है, दवा के रूप में होता है। इसके अलावा एलोवेरा भी देखते हैं, वो भी उसका भी यूज दवा के रूप में होता है। ओके, इसके अलावा गम, गम हाँ है ना, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए जो भी गम यूज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट के द्वारा। इसके अलावा रबर हुआ है ना, रबर प्लांट से हमें रबर मिलता है। इसके अलावा जो आप कॉपी का यूज करते हैं, पेपर का यूज करते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वो भी हमें प्लांट के द्वारा। आप देखें कि प्लांट का कितना यूज है। हाँ, प्लांट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जब इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत हमारे लिए यूजफुल है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। आप जो भी पौधा लगाते हो तो उस पौधा को हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लांट का हम लोग को केयर करना चाहिए। तो इस केयर करने के लिए क्या करना, केयर ऑफ प्लांट। तो प्लांट आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट, सो वी शुड टेक गुड केयर। तो इसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ उसको केयर कैसे करेंगे वो मैंने कुछ लिख दिया है टिप्स, तो आप उसको समझिए। वाटर द प्लांट डेली, जब आप कोई भी पौधा लगाते हो, प्लांट लगाते हो, तो उसको हमेशा पानी देना चाहिए। अगर उसको पानी नहीं देते हो, अगर वो ग्राउंड में है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा उसे वाटर ग्राउंड से मिले। लेकिन अगर आप गमला में लगाते हो अपने छत पे या कहीं पर, तो हमें अक्सर उस प्लांट को क्या देना चाहिए, वाटर देना। सेकेंड क्या, एडेड मैन्योर टू द सॉइल टाइमली, और टाइमली उसमें खाद डालना चाहिए, ताकि खाद डालने से वो पौधा और ही अच्छा से विकास हो सके, वो बढ़ सके, है ना। थर्ड क्या है, ट्रिम देम ऑन रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। देखते ट्रिम करना, देखते हो ना, जब पेड़ को अच्छे बनाने के लिए या फिर उसको और अच्छे तरह से ग्रो करे, तो हम लोग ट्रिम उसका छटनी भी करते काटते, ताकि वो देखने भी अच्छा और अच्छे प्रकार से ग्रो हो सके। तो ये हुआ केयर ऑफ प्लांट। ओके, तो इस लेसन में आप क्या क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट हम लोग को क्या क्या दे, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एंड हाउ वी केयर द प्लांट, ये तीन टॉपिक पढ़े। आप इस लेसन को अच्छे से अपने घर पे पढ़ लोगे, समझ लोगे और इसको लर्न करोगे। ओके, बाय।